हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनोवो टैब P11 प्रो के बारे में, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर की एक फ्लैगशिप टैबलेट देखने को मिल जाती है और इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कैसी है टैबलेट और आपको क्यों ये बाय करनी चाहिए। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बैड वीडियो क्वालिटी के लिए। दोस्तों एक्चुअली मैं अपने गाँव आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो है एक तरह से इतना अच्छा स्टूडियो का सिस्टम है नहीं, बाहर शूट करो तो गर्मी लगती है, अंदर इतनी अच्छी लाइटिंग है नहीं, तो इसलिए के लिए आपसे सबसे पहले माफी चाहता हूं। जो भी है बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में करंटली, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है Lenovo Tab P11 Pro। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको 11.5 इंच की एक 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों एक OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो यार ये काफी बढ़िया आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है इस टैबलेट के अंदर। आपको जो कलर्स देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा, यहां पर आपको पंचर कलर देखने को मिल जाएंगे, सैचुरेटेड कलर देखने को मिल जाएंगे, दिखने में काफी ब्यूटीफुल लगती है डिस्प्ले। बाकी इसके अंदर जो ब्लैक्स आपको देखने को मिलेंगे, डीप ब्लैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार डिस्प्ले तो इस टैबलेट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले अवेलेबल है। यहां पर आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में भी यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। TUV रेंसिल का सर्टिफिकेशन यहां पर देखने को मिल जाता है, तो जो आपकी आईज है वो ब्लू लाइट से एक तरह से बची रहेंगी। और दोस्तों इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स HD में देखने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर आपको वाइडबैंड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जितनी भी आप OTT एप्स इस टैबलेट के अंदर यूज करेंगे सारी की सारी आप HD के अंदर स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप से कुछ यहां पर कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस टैबलेट की डिस्प्ले के। बाकी बात करें Lenovo Tab P11 Pro के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर दोस्तों स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 730G देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक काफी पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। ये आपकी डे टू डे टास्क को काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा। साथ में दोस्तों यहां पर आप गेमिंग कीजिए, वीडियो एडिटिंग कीजिए या फिर आप कुछ और हैवी टास्क कीजिए, सारे के सारे काम ही काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा। एक काफी अच्छा आपको पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी बात करें यहां पर रैम एंड स्टोरेज की, तो यहां पर आपको 6GB की रैम देखने को मिल जाती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो अगेन दोस्तों यहां पर आपकी डे टू डे टास्क जो भी आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा और यहां पर आप काफी सारे फोटोज वीडियोस वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ की, तो यहां पर आपको 8600mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपकी टैबलेट को आराम से 10 से 12 घंटे चला देगी नॉन स्टॉप। आपको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। ऊपर से इसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से और ज्यादा पावर सेविंग होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों एक्सीलेंट किस्म की देखने को मिल जाएगी। बाकी चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको 20W का चार्जर इनबॉक्स से दिया गया है, तो उसकी मदद से आप फास्ट चार्ज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप से यहाँ पर आपको चार्जिंग और बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको क्वैड स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और जो क्वैड स्पीकर्स है ना उनकी क्वालिटी भी आपको फेबुलस देखने को मिल जाती है। दोस्तों जो इसके स्पीकर्स हैं वो JBL के द्वारा आते हैं, तो यहाँ पर जो आपको एक तरह से साउंड का क्वालिटी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो भी काफी ज्यादा आपको बेहतर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको Dolby Atmos वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और एक चीज और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया डिस्प्ले में, जो कि है कि यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर भी Dolby Vision का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आपको काफी ज्यादा जो प्रीमियम टैबलेट होती है, मतलब ये समझिए आप 60K से ऊपर की सेगमेंट की, वहां पर ये फीचर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यार ये काफी बढ़िया बात है कि आपको OLED डिस्प्ले में Dolby Vision का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहां पर जो कंटेंट कंज्यूम का आपका एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। बाकी बात करूं कुछ और चीजों की, तो यहां पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। साथ में दोस्तों यहां पर आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छी चीज है। आप जो भी चाहें वो चूज करें और अपनी टैबलेट की सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक अच्छा फीचर और देखने को मिल जाता है, जब आप इस टैबलेट से वीडियो कॉल्स करेंगे तो यहां पर जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। तो यार ये काफी कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें इसे कुछ और स्पेशल फीचर्स की, तो यहां पर दोस्तों आपको स्टाइलस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये आपको प्रॉपर प्रेशर सेंसिटिव स्टाइलस देखने को मिलता है और इसकी बैटरी लाइफ अप टू 200 hours तक की देखने को मिल जाती है। तो इसको आप एक बार चार्ज करेंगे तो आप काफी टाइम तक आपको चार्ज करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये स्टाइलस की मदद से आप ड्राइंग कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह काम कर सकते हैं, तो ये आपको इनबॉक्स ही देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी बात करें इसकी कुछ और चीजों की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको डिटेचेबल कीबोर्ड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर बेसिकली पोको पिंस दी गई है, तो उसकी मदद से आप इजी तरीके से डिटेचेबल कीबोर्ड वगैरह लगा सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करें कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो इस टैबलेट के अंदर आपको LTE का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इजी तरीके से आप कोई भी सिम लगा सकते हैं और अपना 4G के ऊपर डाटा एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई, इजी तरीके से आपके घर में कोई भी वाईफाई हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो आप दो डिवाइस भी एक टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों यहां पर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस टाइप से Lenovo Tab P11 Pro आपको देखने को मिलती है, जो भी लॉन्च हुई थी काफी ज्यादा महंगी थी, लेकिन दोस्तों जो अभी करंटली
इसकी अमेजोन में प्राइसिंग चल रही है वो चलिए 38,000 रुपीज। इस प्राइस में दोस्तों ये टैबलेट एकदम किलर है, इसको अगर आप कार्ड वगैरह का ऑफर लगाएंगे तो 35,000 तक भी ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रेंज में आपको कोई भी ऐसी टैबलेट देखने को नहीं मिलती जिसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और इतनी अच्छी किस्म की डिस्प्ले देखने को मिलती हो। प्रोसेसर इसका प्रीटी पावरफुल आपको देखने को मिल जाता है, बैटरी लाइफ ऑप्शन देखने को मिल जाती है, स्टाइलस का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये टैबलेट एक कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आप एक टैबलेट फाइंड कर रहे थे 30,000 के अप्रोक्स तो मेरे हिसाब से तो आप मी पैड 5 को भी छोड़िए और दोस्तों जो आपकी सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट है उसको भी अवॉइड कीजिए, आप थोड़ा सा बजट बढ़ाइए और इस टैबलेट को ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो एक्सपीरियंस आपको इस टैबलेट के अंदर देखने को मिलेगा वो कोई और टैबलेट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में। ये काफ़ी अच्छी डील इस टाइम मिल रही है, इस टैबलेट की अगर प्राइसिंग 40,000 से 50,000 भी होती तो भी जस्टिफाई थी क्योंकि इसके अंदर जो पैनल वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी करंटली जैसे मैंने बताया और भी सस्ती प्राइस में टैबलेट मिल रही है तो आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको करंटली पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।